नमस्कार, मैं सूरज मणि आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं साहित्य के चैनल पे। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत में बेल वाले आइकॉन को जरूर दबाएं। पिछले दिनों हमारे देश में एक ऐसी घटना हुई जिससे पूरा देश शर्मसार हुआ। जिस दिन प्रियंका रेड्डी का केस सामने आया, उस दिन 5 और केसेस सामने आए थे। एक दिन में 5 शायद 6 केसेस रजिस्टर किए गए थे, और ये सिर्फ वो केसेस हैं जो रजिस्टर किए गए हैं। आप सब जानते होंगे बहुत सारे ऐसे केसेस रजिस्टर नहीं किए जाते हैं। चलो थैंकफुली 4 दिन के बाद ही पता चला कि पुलिस एनकाउंटर में वो चारों अपराधी मारे गए, जो थैंकफुली मैं सोचता हूँ कि जस्टिस प्रिवेल्ड, ये होना चाहिए था। और मेरा अनुमान है कि बहुत लोग आप में से यही सोचते होंगे, बहुत लोग हालांकि पॉलिटिकल मुद्दा बना रहे हैं इस चीज़ को। चलो ये चीज़ें होती रहती है। और अगर आपने एक मूवी आई थी अभी कुछ दिनों पहले, सेक्शन 375, आपने अगर देखा होगा तो उसमें बताया गया था कि भारत के अंदर हर 7 मिनट एक लड़की के साथ बलात्कार होता है। चलो बहुत, आप जैसा कि मैंने कहा कि सारी रिपोर्ट नहीं किए जाते, ये बातें होती रहती हैं और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि इंसानियत कितनी हद तक गिर चुकी है। ये वो बातें हैं जो खुलेआम होती है, पर कुछ ऐसे भी जुर्म हैं जो खुलेआम नहीं, बंद कमरों के अंदर अंजाम दिए जाते हैं। कोई बता सकता है क्या? कोई भी? फिजिकल असॉल्ट, सेक्सुअल अब्यूज, मेंटल हैरेसमेंट विद वुमेन, जो ये भी किसी बलात्कार से कम नहीं है, ये भी उतना ही जुर्म है, उतना ही बड़ा जुर्म है जितना एक रेप है, बलात्कार है। तो आपको ये भी पता होगा कि भारत के अंदर 90% महिलाएं इस बात की शिकायत नहीं करती हैं। हो सकता है आपने अपने आसपास देखा होगा, महसूस किया होगा, खुद पे महसूस किया होगा। तो जो 10% महिलाएं इस बात की शिकायत करती है, हैट्स ऑफ। जो नहीं करती है, मेरी कविता जो है आज, मैं उसके माध्यम से उन महिलाओं से पूछना चाहता हूँ कि वो कौन है, और मैं उन्हें बताना भी चाहता हूँ कि वो कौन है। तो बहुत वक्त ले लिया मैंने नरेशन में ही, सो मैं शुरुआत करता हूँ। मैं चाहूंगा अच्छी लगी तो तालियां बजा देना। तुम कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा, क्यों लोग करते हैं अपमान तुम्हारा, तुम लक्ष्मी हो, दुर्गा हो या हो काली, तो तुम ही हो जग को चलाने वाली। इस दुनिया से तुम्हें मिला क्या है, तुम्हारी हर एक कुर्बानी का सिला क्या है, क्यों तुम सब सह कर भी चुप रहती हो, आखिर तुम्हें अपने आप से गिला क्या है, क्यों नहीं कह देती कि दर्द तुम्हें भी होता है, क्यों नहीं कह देती कि सुकून तुम्हारा भी खोता है, क्यों तुम अपने आंचल में आंसू छुपाती हो कि इतना दर्द लेकर तुम कहां जाती हो। मैं सुनते सुनते थक चुका हूं, लोगों की बकबक से पक चुका हूं, कहते हैं कि तुम पांव की जूती हो, यकीन मानो मैंने ऐसा सुना हुआ है, कहते हैं कि तुम पांव की जूती हो, बकवास है, मैं देख चुका हूं। औरत को कोई नहीं समझ सकता, औरत को कोई नहीं समझ सकता, ये औरों का तजुर्बा है। मेरी नजर में वो हर दिन काली, हर दिन दुर्गा है, हर दिन काली।